राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो हेलो एंड वेलकम बैक। आज के हमारे वीडियो में हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिसमें हमें पता है कि 8 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने देखा लॉ ऑफ सिमिलिया, जहां पर हमने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरिंजर के बारे में जाना। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, यानी कि ओनली सिंगल रेमेडी का लॉ। क्यों हम होम्योपैथी में सिंगल रेमेडी को अप्लाई करना, प्रेस्क्राइब करना प्रेफर करते हैं, या फिर व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। क्योंकि होम्योपैथी को अगर हम रैशनल सिस्टम बोल रहे हैं, देन इट शुड बी एसेंशियल कि हम हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक जाने। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने देखा जैसे कि लॉ ऑफ सिंप्लेक्स है, वो ओनली सिंगल रेमेडी के लिए जो लॉ है वो है, मतलब उस पर लॉ बना हुआ है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इस लॉ का है कि सिंगल रेमेडी हम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर हमें हमेशा सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। होम्योपैथी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट्स मोनोफार्मेसी, दैट इज फार्मेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओनली सिंगल रेमेडी एट अ टाइम टू अ पेशेंट एट अ गिवन टाइम। होम्योपैथी है वो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है मोनोफार्मेसी को, यानी कि हमें हमेशा, मतलब मोनोफार्मेसी मीन्स फार्मेसी मीन्स दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना, या फिर दवाइयों से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो। मोनो मीन्स सिंगल, इट मीन्स द वर्ड इट सेल्फ क्लैरिफाइज द मीनिंग, मोनोफार्मेसी इज सिंगल प्रिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर होम्योपैथी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है मोनोफार्मेसी के कॉन्सेप्ट को, यानी कि प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्टरिंग ओनली सिंगल रेमेडी एट अ टाइम, एक टाइम पर, या फिर जब हमारा जो सेशन चल रहा है, जहाँ पर हमने दवाई प्रिस्क्राइब की हुई है, वी आर वेटिंग एंड चेकिंग व्हाट आर द रिजल्ट्स कमिंग, मतलब दवाई देना, तो एक टाइम पर एक ही दवाई को प्रिस्क्राइब करना, उसी को एडमिनिस्टर करना, कंसिडर करना, यही है हमारा मोनोफार्मेसी का रोल, जिसको होम्योपैथी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। द रीज़न फॉर प्रिस्क्राइबिंग मोनोफार्मेसी आर, अब मेन पॉइंट रीजन्स क्या है मोनोफार्मेसी के। फर्स्ट पॉइंट, द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग, यानी कि हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जिसमें से हम टोटालिटी, मतलब जिसमें केस टेकिंग में टोटालिटी बनाते हैं, फिर वो कंपेयर करते हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के ड्रग्स के ड्रग पिक्चर के साथ। तो वो जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो कंस्ट्रक्ट की गई है विद द हेल्प ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग प्रूविंग, यानी ड्रग प्रूविंग को हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे प्रूव करने के बाद जो भी सिम्टम्स आए वो सारी एक प्रोसेस है, कुछ एफोरिजम्स के अंदर मेंशन की गई है, डिटेल में बाद में देख लेंगे। सो वो ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे करने के बाद कंस्ट्रक्ट हुई है हमारी मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। इन दिस प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग ईच क्रूड ड्रग सब्सटेंस इज प्रूव्ड ऑन ह्यूमंस, यहाँ पर इस प्रोसेस में ड्रग प्रूविंग के हर एक क्रूड ड्रग, या फिर ड्रग को पोटेंटाइज करके जो भी, मतलब ड्रग सब्सटेंस है उसको हम प्रूव करते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे एज अ सिंगल सब्सटेंस, मतलब एक टाइम पर हम एक ही ड्रग को प्रूव करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस एक ड्रग की इफेक्ट क्या है, और उसके जो भी रिजल्ट एज इट इज़ अवेलेबल इन नेचर, मतलब जब प्रूविंग की हमने तो वो ड्रग जैसा नेचर में अवेलेबल है एज अ सिंगल सब्सटेंस, वैसे ही हमने विदाउट एनी काइंड ऑफ मिक्सचर उसको ह्यूमन बीइंग पर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूव किया, उसमें कोई दूसरा ड्रग या फिर कोई भी मिक्सचर नहीं क्रिएट किया, एज इट इज़ अवेलेबल इन द नेचर उसी फॉर्म में हमने उसको एज अ सिंगल सब्सटेंस प्रूव किया। उसी तरीके से होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बनी है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे आप पॉइंट समझते जाएंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि बाई मोनोफार्मेसी। सो सेकंड पॉइंट, द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग आर एंटर्ड एज अ ड्रग पिक्चर ऑफ द मेडिसिन इनटू द मटेरिया मेडिका। अब हमने दवाई प्रिस्क्राइब कर दी एज अ सिंगल सब्सटेंस एज इट इज अवेलेबल इन द नेचर, अब उसकी जो इफेक्ट्स है जो प्रोड्यूस हुई है ड्रग देने के बाद, वो हम एज अ ड्रग पिक्चर एंटर करेंगे हमारी मटेरिया मेडिका में, यानी कि मटेरिया मेडिका में रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। दिस ड्रग पिक्चर इज द इफेक्ट ऑफ सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस। अब ये जो ड्रग पिक्चर जो हमने नोट किया वो किसका रिजल्ट है?
सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस के इफेक्ट का, विच इज़ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इन अ ह्यूमन बॉडी, यानी वो सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस देने के बाद ही बॉडी में कुछ भी सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, उसी से ये ड्रग पिक्चर बना है। तो वो ड्रग सब्सटेंस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कैपेबल है कि वो ड्रग पिक्चर क्रिएट कर रहा है, सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है। मतलब फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बनी है सिंगल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस को जैसा कि वो नेचर में अवेलेबल है उसी तरीके से प्रिस्क्राइब करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको ड्रग पिक्चर में नोट करने के बाद, और जैसे कि वो रिजल्ट्स है वो उसी ड्रग के कारण आए हैं तो वो सिंगल ड्रग था। ओके, तो दो पॉइंट्स इतना कह रहे हैं, इतना क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, द होम्योपैथिक डॉक्टर सिलेक्ट्स द रेमेडी फॉर द पेशेंट बाय कंपेयरिंग द पेशेंट्स पिक्चर विद दैट ऑफ मोस्ट सूटेबल ड्रग पिक्चर इन द मटेरिया मेडिका। अब हम एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं, हम जो भी केस टेकिंग करने के बाद एक पेशेंट पिक्चर फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, उसको मोस्ट सूटेबल ड्रग पिक्चर के साथ कंपेयर करके मोस्ट सिमिलर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं मटेरिया मेडिका में से, राइट। तो मतलब पहला स्टेप, हमने प्रूविंग के टाइम एक ही मेडिसिन दी थी सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में कोई भी मिक्सचर के बिना, उसके जो सेकंड पॉइंट, उसके जो भी रिजल्ट्स आए वो हमने मटेरिया मेडिका में रिकॉर्ड कर लिए, नोट कर लिए एज अ ड्रग पिक्चर। थर्ड पॉइंट, हम एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर पेशेंट पिक्चर को उस ड्रग पिक्चर के साथ कंपेयर करते हैं आफ्टर टेकिंग द केस। नाउ फोर्थ पॉइंट, हेंस प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल टू सिलेक्ट ओनली वन रेमेडी एट अ टाइम। नाउ इट इज गेटिंग क्लियर, यानी कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक टाइम पर एक मेडिसिन से ज़्यादा दो। प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल टू सिलेक्ट ओनली वन मेडिसिन, यानी प्रैक्टिकली आप सिर्फ एक मेडिसिन को एट अ टाइम वन पेशेंट को दे सकते हो, क्योंकि प्रूविंग भी उसी तरीके से हुई है, एक मेडिसिन एक पेशेंट एक टाइम। ओके, सो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि दो मेडिसिन एक साथ दो, क्योंकि दो मेडिसिन प्रूव ही नहीं हुई है, हमें उसके इफेक्ट्स ही नहीं पता है, सो इट्स डोंट नो वट विल बी द रिजल्ट। If the physician administer two remedies, he will certainly end up in confusion. अगर physician administer करेगा दो remedies को एक साथ, तो certainly at the end क्या होगा? Confusion. Unable to decide which medicine has worked well. Unable हो जाएगा, वो decide नहीं कर पाएगा कि कौन से medicine ने अच्छा काम किया. So follow up of the case, remedy reaction becomes difficult. मतलब क्या remedy का क्या reaction आया, follow up में क्या करना है क्या नहीं, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस के लिए। सो प्रैक्टिकली हमने समझ लिया कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर फिजिशियन कंफ्यूज हो सकता है कि किस मेडिसिन का क्या रिएक्शन हुआ है। इफ़ मोर देन वन रेमेडी इज प्रिस्क्राइब, दोज मेडिसिन कैन एंटीडोट ईच अदर। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों मेडिसिन जो एक साथ प्रिस्क्राइब की, वो एक दूसरे के इफेक्ट को एंटीडोट करके कुछ रिजल्ट ही ना दे पाए पेशेंट को, और दे टुगेदर कैन क्रिएट अ न्यू ड्रग सब्सटेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों मिलकर एक न्यू ड्रग सब्सटेंस ही क्रिएट कर दे बाई मेकिंग अ कंडीशन मेजरेबल, और कंडीशन को और वर्स्ट बना दे, बिकॉज द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन आर नॉट प्रूव, क्योंकि जो कंबाइंड इफेक्ट्स है मेडिसिन की वो तो प्रूव हुई ही नहीं है। सो इज इट गेटिंग क्लियर नाउ, कि इफ मोर देन वन रेमेडी इज प्रिस्क्राइब्ड, दोज मेडिसिन कैन एंटीडोट ईच अदर, और दे टुगेदर कैन क्रिएट अ न्यू ड्रग सब्सटेंस बाई मेकिंग द condition miserable because the combined effect of this medicine are not proved. Homeopathy believes that the diseases are primarily because of derangement of one life force called vital force. Now the sixth point is ki homeopathy hame hum aisa believe karte hain ki jo diseases hai wo primarily because of derangement of one life force, yani diseases hai wo derangement of vital force ke karan hua hai aisa hum mante hain, aur vital force ek life force hai, ek hi hai. To सेट राइट दिस वन फोर्स द मेडिसिनल फोर्स रिक्वायर्ड इज ऑल्सो वन, यानी कि ये एक फोर्स को ठीक करने के लिए जो फोर्स मेडिसिनल फोर्स रिक्वायर है वो भी तो एक ही होना चाहिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो. सो हैनमन सर वॉज कन्फ्यूज एंड हैड ऑलरेडी लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन ऑन द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द मेडिसिन यूज इन हिज टाइम. यानी हैनमन सर पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, उनके टाइम पर एलोपैथी में ये जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर वाली मेडिसिन दी जाती थी उस टाइम पर, उसके कारण वो ऐसा बताते थे कि जिस मेडिसिन के बारे में वो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी वो उनको पता ही नहीं है, तो वो हार्म पहुंचाएगी या फिर कोई पॉजिटिव रिजल्ट देगी वो उनको पता नहीं है, तो वो उस रेमेडी को क्यों प्रिस्क्राइब करें. उसीलिए उन्होंने एलोपैथी छोड़ी थी जितना मुझे पता है.
अगर आई एम रॉन्ग यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स. हाँ हो सकता है कुछ अधूरा हो लेकिन ऊपर ऊपर से ही देखते वी आर नॉट गोइंग इन टू डी. सो हनुमान सर पहले से ही कन्फ्यूज थे कॉम्प्लेक्स मेडिसिन के मिक्सचर को लेकर. एंड इन हीज टाइम विच वाइल ऑन द अदर हैंड कुड नॉट क्योर द डिजीज. और ऐसा भी हो रहा था कि कुछ कंडीशंस में या फिर ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा बोल सकते हैं कि डिजीज क्योर ही नहीं हो रहा था. एंड ऑन द अदर हैंड द कॉम्प्लिकेटेड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. और साथ ही साथ वो पेशेंट की कंडीशन को और कॉम्प्लिकेट कर रहा था. सो इन द एफोरिज्म 247 ही राइट्स इट इज़ रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स विद वैन सिंपल मीन्स सफिस. मतलब अगर इन शॉर्ट बताओ इस एफोरिज्म का मतलब जितना मुझे समझ में आया उसका उतना, तो वो हनुमान सर ऐसा बताता है कि वो रॉन्ग होगा गलत होगा अगर हम ट्राई करें कॉम्प्लेक्स मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना जबकि सिंगल सिंपल मेडिसिन है वो सफिस मतलब सफिशियंट है इनफ है अपना रिजल्ट लाने के लिए तो वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन. सो ही इंसिस्टेड ऑन द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स. और इसीलिए उन्होंने ये लॉ ऑफ सिंप्लेक्स को इंसिस्ट किया कि आपको सिंपल रेमेडी देनी है सिंगल रेमेडी देनी है कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं क्रिएट करना है मेडिसिन को लेकर जब तक हो सके तब तक. ठीक है मतलब उसके नहीं हो रहा है तो फिर ट्राई टू लर्न सिंगल सिंपल रेमेडी प्रिस्क्राइब आपको ढूंढनी है कौन सी बेस्ट मिनिमम मेडिसिन है. द क्रूड सब्सटेंस एज इट इज अवेलेबल इन द नेचर इज कंसिडर्ड एज द सिंगल ड्रग सब्सटेंस आइदर फॉर ड्रग प्रूविंग और फॉर प्रैक्टिस. जो क्रूड सब्सटेंस है अवेलेबल है नेचर में वो कंसिडर करके हम सिंगल ड्रग सब्सटेंस को ड्रग प्रूविंग में प्रूव करते हैं या फिर प्रैक्टिस में देते हैं. मतलब सिंगल सब्सटेंस को ही देते हैं सिंपल सब्सटेंस को ही देते हैं फिर उसकी इफेक्ट्स को नोट करते हैं फिर ड्रग पिक्चर को नोट करने के बाद पेशेंट पिक्चर के साथ हम उसको मैच करते हैं बेस्ट सिमिलर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं. और इसीलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक से ज़्यादा मेडिसिन दें फिर भी 3 साइड इफ़ेक्ट्स होंगे अगर हमने एक से ज़्यादा मेडिसिन दी. पहला ये कि फिजिशियन खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन सी मेडिसिन का रिएक्शन क्या आया है या फिर कौन सी मेडिसिन ने अच्छा काम किया है. सो फॉलो अप में गड़बड़ी हो जाएगी. दूसरा ये कि हो सकता है दोनों मेडिसिन एक दूसरे के साथ मिलकर एंटीडोट कर दे एक दूसरे की एक्शंस को और कुछ इफेक्ट ही ना हो. और तीसरा ये कि हो सकता है कि दोनों मेडिसिन मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दे कॉम्प्लेक्स इफेक्ट दे क्योंकि ड्रग प्रूविंग के टाइम पर हमने दो मेडिसिन के इफेक्ट को प्रूव नहीं किया है तो ये करना पेशेंट की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. सो वी शुड अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग मोर देन सिंगल सिंपल रेमेडी. और होम्योपैथी में अगर लॉजिकली देखा जाए तो होम्योपैथी ऐसा कंसिडर करती है कि डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स के कारण होता है डिसीज प्रोडक्शन और उसके कारण डिसीज हुआ है तो वाइटल फोर्स है वो सिंगल लाइफ फोर्स है तो इसीलिए जो मेडिसिनल फोर्स है वो भी सिंगल ही होना चाहिए. सो हनुमान सर इंसिस्टेड दिस लॉ ऑफ सिंप्लेक्स. यहाँ तक हमने पूरा वीडियो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का कंप्लीट किया. सारे पॉइंट्स लास्ट में मैंने रिवाइज भी करवा दिए. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दिस लॉ ऑफ मिनिमम डोज. यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगल रेमेडी के साथ साथ हमें मिनिमम डोज में दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है. क्यों कैसे क्यों है ये लॉ सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है रिव्यूज़ है कॉमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.